ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों ने हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर उपवास किया। आंदोलनकारियों ने कहा कि 9 नवंबर को जब उत्तराखंड अपना 18वां स्थापना दिवस मनाएगा, तब राज्य आंदोलनकारी इस दिन को चुनौती दिवस के रूप में मनाएंगे, और अगर जल्द ही उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला नहीं किया गया तो गैरसैंण में होने वाले आगामी विधानसभा सत्र को नहीं चलने दिया जाएगा। ये सभी आंदोलनकारी विधानसभा की ओर कूच करने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे इन आंदोलनकारियों की सुध अभी तक सरकार ने नहीं ली है, जिसके चलते चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों का विरोध उग्र रूप लेता जा रहा है। देखिए, आज चिन्हित आंदोलनकारी जो है राज्य भर से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हरिद्वार के तमाम तहसीलों से लोग आए हुए हैं। हमने निश्चय किया कि कल राज्य की जब 18वीं स्थापना दिवस मनाने जा रही है राज्य की जनता, तो इस मौके पर हम लोग देहरादून में गांधी पार्क पर सत्याग्रह करेंगे। और हमने कह दिया या तो राज्य सरकार माने, नहीं तो हम नहीं मानेंगे और हम इसके खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। हमने तय किया है कि कल का दिन पूरे राज्य में चिन्हित आंदोलनकारी समिति जो है चेतावनी दिवस के रूप में मनाएगी, और 9 नवंबर को अगर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने आंदोलनकारियों के हक में, चाहे वो गैरसैंण का मसला हो, चाहे पलायन का मसला हो, चाहे चिन्हीकरण आंदोलनकारियों के लिए जो एक कट ऑफ डेट हमने तय की थी 31 अप्रैल, उसको बढ़ाने का हो, इन तमाम चीज़ों पर अगर फैसला नहीं होता तो हम लोग गैरसैंण में जो विधानसभा सत्र आहूत किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, उसमें विधानसभा को चलने नहीं देंगे। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए हरिद्वार से आलोक शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर